अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने किसके साथ एक साल का करार किया है, ए मर्सिडीज, बी मारुति, सी टाटा या डी जीप। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं छात्र छात्राएं। अपनी कार्य प्रणाली के कारण हमेशा विवादों में रहने वाले तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में इन दिनों छात्रों को अपने मूल प्रमाण पत्र और कागजातों को लेकर लगातार चक्कर काटना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राएं लगातार परेशान हो रहे हैं और कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर काटने वाले छात्र छात्राओं ने बताया कि वे सभी लगातार अपने मूल प्रमाण पत्र और कागजात को लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं इस बाबत जब विश्वविद्यालय के PRO प्रोफेसर दीपक दिनकर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझा। दो तीन बार आ चुके हैं, हम पटना से आते हैं सर, आज कॉलेज भी मेरा छूट रहा है, कॉलेज में मेरा रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसका लास्ट डेट 14 तारीख को है। मैम बोल रही है बार बार कि माइग्रेशन लाओ माइग्रेशन लाओ, माइग्रेशन लाने के लिए दो तीन बार कॉलेज छोड़ के हमको यहाँ तक आना पड़ता है, और फिर आज भी छुट्टी है, कल भी हम आए थे, कल भी छुट्टी था, आज भी छुट्टी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 14 तारीख तक मेरा लास्ट डेट है, अगर कुछ हो जाए तो फिर ठीक रहेगा। क्या नाम है? उज्ज्वल कुमार मेरा नाम है सर। हम लोग को सर्टिफिकेट और माइग्रेशन का जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, और हम लोगों को पता नहीं था कि 11 तारीख को छुट्टी है, तिलकामाझी का जयंती समारोह है, और हम लोग यहाँ आ चुके हैं यूनिवर्सिटी, 5-5 घंटे सफ़र करके हम लोग आए हैं, और हम लोग 10-15 लोग हैं, बस डॉक्यूमेंट देना है और कुछ को डॉक्यूमेंट लेना है, इसी प्रोसेस के लिए आए हैं। लेकिन 1 घंटे में, लेकिन कोई टीचर बैठे नहीं हैं, सारे डिपार्टमेंट में लॉक लगा हुआ है, बस एक टीचर अगर कोई अगर चाहे हेल्प कर दें तो हम लोग का काम हो जाएगा। हम लोग को रिटर्निंग ट्रेन भी है, फिर 5 घंटे वापस भी जाना है, बार बार आना संभव नहीं है। कहाँ से आए? हम बढ़िया से आए हैं। क्या नाम है? मोनिका कुमारी। क्या चीज़ का मूल प्रमाण पत्र? BEd का मूल प्रमाण पत्र लेना है और BEd का ही माइग्रेशन लेना है। चुके हैं, मेरा लास्ट डेट 14 तारीख तक है सर फॉर्म जमा करने का, उस टाइम तक अगर मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया तो सर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सर। क्या चीज़ में चाहिए था? माइग्रेशन का सर जमा करना है, BEd का मेरा क्लियर है सर, अगर उसमें सबमिट हम नहीं किए तो हमको एग्जाम से निष्कासित कर दिया जाएगा सर। जो बार बार 1 महीने से चक्कर लगा रहे हैं तो सर, माइग्रेशन के लिए हमने जो फॉर्म अप्लाई किया था वो मेरा सबमिट हो गया, 1 सप्ताह दिन के बाद बुलाए थे, 1 सप्ताह के बाद हम आए थे, उस दिन भी हमको बोला कि वो नहीं आए कुलपति साहब, उनका सिग्नेचर नहीं हुआ, उस दिन भी हम लौट के चल गए। फिर दूसरा बार भी आए सर, दूसरा बार बोला कि आज भी नहीं होगा, आज तीसरा बार है मेरा सर। तो लगातार जो घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ के अधिकारी काम? हमको लग रहा है कि सर यहाँ का सिस्टम सही तौर तरीका से नहीं चल रहा है सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ सर, हम लखीसराय से आए सर। एशिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहाँ उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। 6 फरवरी से लापता युवक का शव हुआ बरामद, परिजनों ने डिप्रेशन में होने की कही बात। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मीराचक स्थित गंगा घाट से युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान इसाचक थाना क्षेत्र के भिकनपुर इट्टा बाजार निवासी पंकज राय के पुत्र सुदामा राय के रूप में हुआ है। वहीं इस बाबत मृतक के पिता पंकज राय ने बताया कि उनका पुत्र सुदामा राय 5 फरवरी को अपने एक मित्र की शादी करवाकर लौटने के बाद काफी तनाव में था, और 6 फरवरी को वह थोड़ी देर में घर आने की बात कहकर निकला, जिसके बाद वह घर वापस नहीं आया। वहीं नाविक ने फोन कर उसके पुत्र के शव होने की बात कही,
बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले की छानबीन में जुट गई थी। ठीक ठाक 5 तारीख को शादी में गया था और शादी में लौटने के बाद ये घर में रहा। रात में उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ तो हम लोग को तो मालूम नहीं। सुबह 9 बजे के दरमियान निकला और फिर लौट के नहीं आया। हमको लग रहा है वो गवाही जो दिया है उसमें इसका कोई इसको टॉर्चर किया है। इस टॉर्चर में आकर जो वो ऐसा घटना घटा। कहाँ शादी हुआ था, किसका शादी? छोटू कुमार का शादी हुआ है, बीकरपुर में रहते हैं। किसके साथ शादी हुआ? लड़के का हम लोग नाम नहीं जान रहे हैं। कहाँ शादी हुआ? घर भी हम नहीं जान रहे। लड़की की बड़ी बहन का घर दोनों अगल बगल में। आप ही के घर के पास? हाँ, घर के बगल में। क्या नाम था आपका लड़के का? सुदामा राय। कब से ही घर से गायब था? शनिवार को करीब 9:25 मिनट को। 6 तारीख शनिवार को घर से निकला था। हम भी बैठे थे, मम्मी पूछी कि कहाँ जा रहे, बोला 10 मिनट में आ रहे मम्मी, और बोल के जो निकला अभी तक वापस नहीं। आपको कैसे जानकारी हुई? ये नाव वाले को हम पता दिए थे कि कहीं मिले इसके बारे में तो हमको खबर कीजिए, और सुबह फ़ोन किए तो हम लोग गए देखने के लिए। देखे सही बात है। क्या लगता है कि किस वजह से किया? अब तो हम तो ये नहीं बता सकते, लेकिन टेंशन यही है उसका। इसका कोई प्रमाण है कि? प्रमाण उसका कोर्ट में गवाही दिया है, और जिस दिन से 5 तारीख से वहाँ से लौट के आया है पूरा टेंशन में थे। मोबाइल उबाइल सब घर में रख के कुछ बताए निकल गए। छोटी बहन से 20 रुपया मांग लिए, बोला 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, निकला तो अभी तक वापस नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज। नवगछिया। धर्मवीर ने कहा गुड़िया की मदद करता था तो लोगों ने कहा गुड़िया के साथ है नाजायज संबंध, फिर शादी कर लोगों के मुंह पर लगा दिया ताला। आज के समाज में भी एक अबला को किन किन विपरीत परिस्थिति से जूझना पड़ता है, इसकी कहानी गुड़िया के खून सने कपड़े और बेजान रक्त रंजित शरीर चीख चीख कर बयां कर रहा है। बड़ी खुशहाल दुनियादारी थी गुड़िया की। पहले पति जाले यादव के पास 3.5 बीघा खेत खेती योग्य जमीन थी। जाले खेती करता था और ठीक ठाक अपनी गृहस्थी को चला रहा था। गुड़िया के दिन की शुरुआत बच्चों के किलकारियों के बीच होती थी तो शाम का आगाज पति के स्नेह और प्यार के साथ होता था। लेकिन गुड़ियों की खुशियों पर किसी की नजर लग गई और उसके पति जाले यादव गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। अंततः जाले यादव स्वर्ग सिधार गए। प्रतीक की मृत्यु के बाद गुड़िया पर विपत्तियों का कहर टूट पड़ा। गुड़िया के अपनों की ही नजर उनके 3.5 बीघा जमीन पर थी। गुड़िया को उनके भैंसुर स्वर्गीय जवाहर यादव के पुत्रों ने घर से भगा दिया। इसके बाद वह मायके में रहने लगी। इस बीच गुड़िया अपने चचेरे देवर धर्मवीर उर्फ गुड्डू के संपर्क में आई। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर धर्मवीर उसकी मदद करने लगा। धर्मवीर ने कहा कि गुड़िया से कहा कि अगर उसे अपने बच्चों को उसके पुश्तैनी जमीन पर हक दिलाना है तो उसे गांव आकर रहना होगा। गुड़िया ने धर्मवीर की बात मान ली और वह धोबिनिया गांव अपने बच्चों के साथ चली आई। धर्मवीर बताते हैं कि गुड़िया के गांव आने के साथ ही गांव के एक व्यक्ति ने कहा उसके पति जाले यादव ने उससे पैसे लिए थे। वह गुड़िया से पैसे की मांग करने लगा, अन्यथा जमीन के वाला पर देने की बात कहने लगा। जबरन गुड़िया से कुछ जमीन के वाला भी करवा लिया। दूसरी तरफ गुड़िया के पति के हिस्से की जमीन को उसके भैंसुर के पुत्रों का कब्जा था। धर्मवीर ने कहा कि वह हमेशा गुड़िया के पक्ष में बोलता था, इसलिए समाज के कुछ लोग ने इस मदद की भावना को नजायज रिश्ता कहकर कलंकित किया। जब समाज उसे भी बुरी नजर से देखने लगा तो अंततः उसने और गुड़िया ने मिलकर शादी करने का निर्णय लिया और शादी कर सबों के मुंह पर ताला लगा दिया। धर्मवीर ने कहा कि एक तो पहले से जमीन विवाद चल रहा था, दूसरी तरफ जब उसने गुड़िया के साथ शादी की तो गुड़िया के भैंसुर के लड़कों पर खून सवार हो गया, जिसका अंदाजा न तो गुड़िया को था न ही उसे था। गुरुवार को देर शाम गुड़िया को उसके भैंसुर के पुत्र विकास यादव, मृत्युंजय यादव और मिथुन यादव ने बुलाकर पहले झगड़ा किया, फिर गोली से उसकी हत्या कर दी। धर्मवीर यादव के लिखित बयान के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी में तीनों को नामजद किया गया है। लड़की क्या क्या लड़की बरकी कोमल सपना और पीयूष लड़का, फिर प्रीति लड़की है, शुभम लड़का, विष्णु लड़का। आपको कैसे पता चला कि मर्डर हो गया? मैं लगभग 25-30 कदम दूरी पर ये गांव में दूसरा जगह जी बातचीत कर रहा ये अथी पटवन के बारे में, पानी पटवन के बारे में सवेरे पानी पटवन कर यही बारे में बात करे लिए तब नहीं मेरा घर बोला है खाना बनवे खाना बने लगे होते
एकरा बोलाए के जब आवाज भूले ना तब हम एकरा खोजे पहिने के लिए एकरा घर देखे ले घर में ई नहीं रहे तब जिस गाँव आवाज होल रहे बजि गाँव के लिए तब तक मैं मारी के वो सब फिरार घर से ले गए। क्या गोली मारा है इसको? एक गोली मारा। एक नाम क्या इनका? गुड़िया। कितना उम्र होता हो? 42। वाणी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। रंगरा पंचायत समिति की बैठक में उठा नल जल योजना में अनियमितता का मामला। अन्य मुद्दे पर भी जन प्रतिनिधियों ने पदाधिकारी के साथ की चर्चा। रंगरा प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक का आयोजन प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में कुछ पंचायत समिति सदस्यों ने पंचायत में चल रहे नल जल योजना की अनियमितता की बात को सामने रखा, जिसमें तिनटेंगा दियारा की पंचायत समिति सदस्य राजन मंडल उर्फ चुन्नी अमीन ने नल जल में व्याप्त अनियमितता के बारे में बताया और मामले को उठाया। उन्होंने प्रखंड में चल रहे विभिन्न तरह के योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सख्ती लाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार का ध्यान आकृष्ट किया। इसके बाद कई जनप्रतिनिधि ने अलग अलग समस्याओं को रखते हुए पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया और समस्याओं से तत्काल जनता को निजात दिलाने की मांग भी पदाधिकारी से की। वहीं बैठक में रंगरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, भवानीपुर के मुखिया दीपक कुमार उसिकारी, उप प्रमुख पवन कुमार दिवाकर सिंह, उमेश प्रसाद सिंह, सुलेखा देवी, बेला देवी, चांदनी सहित कई अन्य मौजूद थे। तरह का बैठक था? पंचायत समिति की बैठक आउट की गई थी जी। क्या क्या किस किस कार्यों पर बात हुई है? वित्तीय वर्ष 21-22 विकास योजनाओं पर बात हुई। प्रखंड स्तर के सभी कर्मचारी, पदाधिकारी, मुखियागण, पंचायत समिति के उपस्थिति में बैठक की गई और सभी विभागों विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी मौजूद रहे और हर विभाग पर बात की गई, हर विभाग का फीडबैक लिया गया और सबों को अच्छे कार्य करने की नसीहत दी गई। भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगे, गरीब, शोषित, वंचित, दबे कुचले वर्गों का कार्य सुचारू रूप से प्रखंड स्तर से हो, इस पर जोर दिया गया। आपके तरफ से क्या निर्देश है कर्मियों को? हमारे तरफ से सभी विभाग के प्रखंड अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा, सभी को सुचारू रूप से कार्य करने की नसीहत दी गई। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, आम लोगों का कार्य बिना भागम भाग किए काम हो जाए और सबों का कार्य सुचारू रूप से हो, यही हमारे तरफ से सबों को बैठक में कहा गया। नवगछिया सरस्वती पूजा को लेकर नवगछिया थाने में हुई शांति समिति की बैठक। नवगछिया टाउन थाना में शुक्रवार को थानाध्यक्ष शैलेश कुमार की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह मौजूद थे। बैठक के दौरान बैठक में आए शांति समिति के सदस्यों से पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान थानाध्यक्ष ने कहा कि पूजा को लेकर प्रतिमा स्थापित करने के लिए पूजा समिति को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। पूजा के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन
पूजा समिति को करना होगा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। प्रतिमा का विसर्जन नदी में नहीं होगा। नदी में प्रतिमा विसर्जन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। पूजा के दौरान डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी पूजा समिति डीजे नहीं बजाएंगे। डीजे बजाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान नौगछा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, प्रवीण कुमार भगत, मुन्ना भगत, त्रिपुरारी भारती सहित शांति समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। रंगरा में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। रंगरा स्थित शैलेंद्र मिश्र के फार्म हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव ने किया। प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता मंडल उपाध्यक्ष शैलेश कुमार मिश्र ने किया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, प्रोफेसर भोला कुमार, पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा ने प्रशिक्षण सत्र में अपने व्याख्यान से अब कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। प्रशिक्षण में एक वक्ताओं ने बताया कि जिस तरह संगठन को और ज्यादा मजबूत करना हो और किस तरह भाजपा को अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करना है। वहीं कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, महामंत्री आलोक सिंह, नीलांबर झा, मंत्री वीरेंद्र दास, युवा मोर्चा महामंत्री मनोज, प्रखंड महामंत्री अखिलेश, महामंत्री हिमांशु सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया किसान आंदोलन में मृत्यु हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद सिंह निषाद के नेतृत्व में गौशाला रोड नवगछिया स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में किसान आंदोलन के दौरान मृत हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजित कर मृत किसानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर गोपालपुर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, नवगछिया प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह, महिला प्रखंड अध्यक्ष शीला देवी निषाद, अशोक सिंह निषाद, छोटे लाल ततमा, सुनील चौधरी, शंकर प्रसाद सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता की मौजूदगी देखी गई। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक मिले निःशुल्क नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें
7325052437। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।